एक तरफ देश में जहां ज्यादा बारिश होने की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं फरुखाबाद में सूखे और बाढ़ ने किसानों की हालत खराब कर दी है। जहां जिले में बारिश न होने पर किसानों की खेत में लगी फसलें सूख रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेत में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण किसानों की फसल खराब हो गई है। दरअसल नरोरा बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से गंगा का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़कर 136.50 मीटर तक पहुंच गया है। इससे गंगा के तटवर्ती 24 गांव के नजदीक पानी पहुंचने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। हजारों एकड़ खेतों में खड़ी धान, मक्का, उड़द, तिल की फसल जलमग्न होने के कगार पर है। ये देखकर किसानों का दर्द आंसू बनकर छलक रहा है। अगर इसी कदर जलस्तर बढ़ता रहा तो और 3-4 दिनों में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही कम बारिश की वजह से किसान भूखे की मार झेल रहा है। बता दें कि जिले के 60% लोग खेती किसानी पर ही निर्भर रहते हैं। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी का खेत ना जोत पाए रहे, धान ना गढ़ पाए रहे, मक्का ना हो पाए रहे, कोई नहीं पा रही। खेत सब खाली पड़े हैं? सब खाली। तो क्या उम्मीद है, पानी बरसेगा? अब ऐसे तो गुजर तो ऊपर आवाज तक बरसो नहीं। डीजल आम है, वो डीजल महंगा है, आए नहीं रहे। और अभी देखिए कि आपने देखा है कि हमारे साइड में, हमारे जो गांव में बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। बारिश का नाम निशान तक नहीं है कहीं भी, और बहुत ही बारिश की वजह से परेशान है। और एकदम इतना हो रहा है कि बाढ़ से इंसान परेशान हो गया है, जो कि बाढ़ से पूरा ग्रस्त हो गया है। पूरा गांव को गांव दिक्कत में है। तो दिक्कत तो खैर है ही है, अपने जो है एक तरफ सूखे से आदमी दिक्कत है, एक तरफ बाढ़ से दिक्कत। गंगा तराई क्षेत्र कहलाती है, पहाड़ों पे जो पीछे बरसात हो रही है, गंगा में पानी छोड़ा जा रहा है। कहीं कहीं गांव में बाढ़ है, और बाढ़ में जो कहीं गन्ने का खेत था, गन्ना गड़ा था, कहीं धान गाड़े गए थे, वो सैलाब में जो कल धान गड़ा हुआ सैलाब आ गया तो धान थोड़ा गिर गया, मने उखड़ गया। ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाए। और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र में सूखा पड़ी है, वो जिले सूखा ग्रस्त घोषित किए जाए। फरुखाबाद है, पूर्वांचल है, जहाँ बरसात नहीं हो रही है, उन जिलों को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाए। क्यों सूखा पड़ी हुई है? मक्का सूख रही है, धान नहीं कर पा रहा है, बहुत खड़ी है लोगों की। ऐसे हालातों को देख करके सूखा ग्रस्त घोषित किया जाए सरकार की, ये हमारी मांग है। बता दें कि ऐसे कई गाँव हैं जहाँ अब धीरे धीरे खेतों का कटान भी शुरू हो गया है, जिससे गांव वाले बेहद परेशान हैं। गांव वालों की नींद उड़ी हुई है। कई गांव वाले धीरे धीरे बाढ़ के डर से घर में राशन पानी का इंतजाम कर रहे हैं। एक तरफ जहां किसान बारिश के लिए ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दुआ भी कर रहे हैं कि गाँव में बाढ़ का पानी ना घुसे। इसके साथ ही गाँव वाले अब सरकार से भी मदद की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार इन किसानों की मदद करती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।